मैं दार्जिलिंग में रहता हूँ और जैसे कि आपको पता ही है, अक्सर यहाँ ठंड बहुत बढ़ जाती है। सुबह की गुनगुनी धूप और उसमें माँ के हाथ की चाय, वाह वाह। पर अचानक चाय टेबल पर रखकर माँ चीख पड़ी, देख अब मैं दोबारा चाय नहीं लाने वाली। तुम बाप बेटों को काम धंधा नहीं है, दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ना और चाय चाय चाय। मैं चाय बनाने वाली नौकरानी नहीं हूँ, ठीक है। तभी अचानक बाहर पोस्टमैन की आवाज आई, साहब पोस्टमैन। मैं दौड़ कर गया। किसकी चिट्ठी है? आप ही की है। मैंने चिट्ठी ले ली। चिट्ठी मेरे मित्र विमल की थी। मैंने माँ से कहा, लो तुम्हारे बेटे की चिट्ठी आ गई। माँ, विमल दोस्त तो मेरा है मगर बेटे की तरह तुम मुझसे प्यार करती हो, और अक्सर चिट्ठियों में वो मेरे से ज्यादा तुम लोग के बारे में पूछता है। क्या लिखा है उसने? माँ ने पूछा। अगले हफ्ते आ रहा है। विमल मेरा बचपन का दोस्त था। मैं, विमल और मानिक, हम तीनों बचपन से साथ स्कूल में पढ़े थे। विमल कलकत्ते में रहता था और एक कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। साथ ही पत्र पत्रिकाओं में लिखना उसका शौक था, और ऐसे ही लिखते लिखते भाई साहब बहुत फेमस राइटर हो गए थे। बहुत सी पत्रिकाओं में उसके लेख आते थे, अक्सर उसे बड़े बड़े सम्मान मिलते थे, और इस तरह से भाई साहब का जीवन चल रहा था। शादी उन्होंने की नहीं थी, करेंगे शायद, और पिता का देहांत पिछले दिनों हो गया था। माँ के साथ ही वो रहता था, अक्सर मेरे यहाँ उसका आना जाना था, और जैसे मैंने बताया मेरे घर वालों के साथ उसके संबंध कैसे थे। हमारा तीसरा मित्र थोड़ा सा अलग था, वो उतना घुलता मिलता नहीं था। वो हमारे ही शहर में रहता था मगर अक्सर हमसे अलग ही रहता था, मगर आज पता नहीं क्यों अचानक वो मेरे यहाँ आ गया। अरे सुन, फुटबॉल खेलने चलेगा क्या? नहीं यार, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तू जा। अच्छा सुन, विमल आने वाला है। ठीक है ठीक है, कहकर वो बड़े नीरस भाव से चला गया। पिछले कुछ समय से वो विमल के नाम से उतना खुश नहीं होता था, हालांकि स्कूल के समय हम बहुत अच्छे दोस्त थे, मगर पता नहीं पिछले दिनों क्या बात हुई। मैं विमल के आने का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह अचानक माँ को किसी से बात करते सुना और मैं दौड़कर नीचे आया। माँ कौन आया? अरे विमल, और कौन? अरे विमल तू आ गया? हाँ भाई आ गया। अच्छा सुन, तुझे कुछ खास बातें करनी है, उसके बाद मैं निकलूंगा। अरे रुकेगा नहीं? नहीं नहीं, आज रुक नहीं पाऊंगा। अच्छा, हम दोनों गार्डन की गुनगुनी धूप में जाकर बैठ गए। विमल ने कहा, और बाबूजी कैसे हैं? दिख नहीं रहे। ठीक है, टहलने गए होंगे, आ ही रहे होंगे। और तू बता, तेरी माँ कैसी है? ठीक है, जब से पिताजी गए हैं थोड़ी अनमनी सी रहती है, और पिछले दिनों एक खबर सुनकर तो और तबीयत खराब हो गई उनकी। भाई एक बार जाके तू उनसे मिल आना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब तुझे ही सब कुछ देखना है। मुझे देखना है मतलब? अच्छा सुन, मैं कुछ खास बातें तुझसे करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं जरा अपने घर की ओर निकलूंगा। वहाँ एक पूजा का कार्यक्रम है मेरे लिए, वो लोग सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कैसी पूजा? छोड़ ना, और हमारा वो दोस्त कैसा है? मनोहर? अरे उसकी मत पूछ। कल मिला था, तेरी चिट्ठी आई थी जब, मैंने उसे बताया तू आने वाला है, मगर पता नहीं क्यों। ठीक ही है उसका नाराज होना भाई, मगर स्कूल के टाइम में तो हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। हाँ मगर कुछ ऐसी घटना हो गई कि क्या बताऊं। मगर हुआ क्या? वही मैं तुझे बताने आया हूं भाई। तुझे याद है स्कूल के समय एक पत्रिका निकलती थी जिसका संपादन अक्सर विमल को दिया जाता था? हाँ मनोहर को ना, ठीक। मगर उस साल प्रिंसिपल साहब से बातचीत करके मैंने संपादन खुद ले लिया था। हाँ हाँ मुझे याद है, और उस साल तो पत्रिका सर्वश्रेष्ठ आई थी और तुझे पुरस्कार भी मिला था। मगर दोस्त यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, पत्रिका में इतने सारे लेख लिखने थे कि मैं कर नहीं पा रहा था, इसलिए मैं मनोहर के घर गया था और उससे मदद मांगी। उसने अपनी कुछ कविताएं और लेख मुझे दे दी पत्रिका में छापने के लिए। मैंने
अपनी कहानी और लेख उसके नाम से और उसकी कहानी लेख मेरे नाम से छाप दी। पत्रिका बहुत सफल रही। मुझे यह तो पता चल गया कि वो मुझसे अच्छा लेखक है। मैंने एक आइडिया लगाया और दोबारा उससे जब मिला तो उसे विद्या की शपथ दे दी। विद्या की शपथ किस लिए? आगे से वो जो कुछ भी लिखेगा वो मुझे दे देगा, और इस तरह उसकी कविताएं कहानियां सब वो मुझे लिख लिख कर देता रहा और शहर में मैं अपने नाम से छपवाता रहा और प्रसिद्ध और पुरस्कृत होता गया, और वो बेचारा गांव में ही रह गया। हाँ, अब ऐसे में वो नाराज तो होगा ही ना। मगर सिर्फ विद्या की कसम नहीं, विद्या की कसम के लिए नहीं, उसे कुछ पैसे भी मैं भेज देता था जिससे उसका घर चलता था। मगर अब मुझे लगता है वो समय आ गया है कि मुझे उसका सम्मान वापस लौटाना चाहिए। इसलिए मुझे मिले सारे पुरस्कार और उसकी राशि वगैरह मैं इस बक्से में चेक और पुरस्कारों की शील्ड वगैरह लेकर आया हूँ। भाई अब ये तेरा काम है कि तुझे उसको ये समर्पित करना है और मेरी तरफ से माफी मांगना है। मगर तभी अचानक नीचे मनोहर की आवाज आई, विमल विमल। रुक, मैं देखता हूँ, मनोहर आया, ऊपर लेके आता हूँ। जैसे मैं नीचे गया मनोहर समाचार पत्र पकड़े खड़ा था। मैंने कहा क्या हुआ? वो अचानक रोने लगा, विमल विमल मैं बर्बाद हो गया, विमल मैं बर्बाद हो गया। मगर हुआ क्या? मेरी मेरी आय का साधन चला गया विमल। आय का साधन? अचानक उसका रोना सुनकर मेरी माँ भी नीचे आ गई। क्या हुआ? उन्होंने समाचार पत्र उसके हाथों से लिया और जो कुछ उन्होंने देखा और पढ़ा उसे सुनकर मैं भी स्तब्ध था। समाचार पत्रों के महान लेखक का मित्र के घर जाते हुए एक्सीडेंट में देहांत, साहित्य जगत में भारी शोक। मैं चीख पड़ा, नहीं ये नहीं हो सकता विमल, ये हो चुका है। मगर ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैं गार्डन की ओर दौड़ा, वो लोग भी मेरे पीछे आए, मगर वहां गार्डन में कोई भी नहीं था, बस एक सूटकेस और एक लेटर था। लेटर उठाकर मैंने पढ़ना शुरू किया। दोस्त विमल, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत नाम बहुत प्रसिद्धि पाई, मगर वो सब कुछ झूठ था। ये सारा हक मनोहर का था, वो मुझे लिख लिख कर देता जाता था और मैं छपवाता जाता था। मगर मौत के बाद अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे वो सारा मनोहर को समर्पित कर देना चाहिए। इसलिए मैं ये बक्सा लेकर तेरे पास आया था दोस्त।